और रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है। इस बीच रूस के एक खूंखार लड़ाके इंटरनेशनल हेडलाइन बने हुए हैं। रूस के ये ऐसे खतरनाक लड़ाके हैं जो पहले दुश्मन की जान लेते हैं, फिर निशाने के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। वो मौत बरसा कर हंसते हैं, वो हत्या कर कान काट लेते हैं, वो लाशों के बीच झूमते हैं, उन्हें मुर्दों की दुर्गंध का नशा है। पुतिन के सबसे खौफनाक लड़ाके हैं। अब यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत मारने वाली पुतिन की जल्लाद कंपनी यूक्रेन दाखिल हो चुकी है। ये रूस के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनके डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द नहीं है। दावा किया जा रहा है कि पूजा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस का खूंखार रूसिच ग्रुप की एंट्री हो गई है। रूसिच ग्रुप के लड़ाके इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद निशाने के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसी लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरों को पेश किया गया है। सबूत नंबर एक, सबूत नंबर दो, सबूत नंबर तीन, सबूत नंबर चार, सबूत नंबर पांच। इन रूसी लड़ाकों की लोकेशन खार्किव बताई जा रही है। तस्वीरों में उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी भी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये निर्मम जल्लाद से भी बेरहम होते हैं। यूक्रेन युद्ध में इनकी मौजूदगी के तीन मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद, यूक्रेन की सेना में दहशत पैदा करना। दूसरा मकसद, यूक्रेन में अगले नरसंहार को अंजाम देना। तीसरा और सबसे अहम मकसद, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करना। रूस की तरफ से अब तक दर्जन से भी अधिक बार ज़ेलेंस्की को मारने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार उनका वार खाली ही जाता है। वजह ज़ेलेंस्की के स्पेशल बॉडीगार्ड जो साय की तरह उनके साथ रहते हैं। ज़ेलेंस्की के ये स्पेशल बॉडीगार्ड कौन है, ये ज़ेलेंस्की को दुश्मनों से कैसे बचाते हैं, उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के रूसी लड़ाकों का कच्चा चिट्ठा जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो ज़ेलेंस्की की सुपारी लेकर यूक्रेन में दाखिल हुए हैं। रूसी लड़ाके कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते और हत्या करने के बाद निशाने के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाज़ी सेना से की जाती है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच ग्रुप का गठन अलेक्सी मिलेचकोव और यान पेत्रोवस्की ने किया था। मिलेचकोव ने रूसी सेना में एक पैरा ट्रूपर के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। 2014 में रूसिच लड़ाकों की बर्बरता दुनिया के सामने तब आई थी जब इनकी तैनाती डोनेट्स और लुहांस इलाके में की गई थी।
एक बार फिर ये लड़ाके उसी इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। 8 साल पहले भी इनके सामने यूक्रेन की सेना ही थी और आज फिर इनके सामने टारगेट पर यूक्रेन की सेना ही है। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच के सरदार मिलेच्कोव ने खुले तौर पर माना है कि वो नाजी समर्थक है। उसे जलते हुए इंसानी मांस को सूंघकर नशा होता है। जिस ग्रुप का माफिया अपने बारे में ऐसे दावे करता है वो अपने लड़ाकों को कितनी बर्बरता की ट्रेनिंग दे रहा होगा इसे आसानी से समझा जा सकता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसिच ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर ग्रुप से जुड़ा है। वही वैगनर ग्रुप जिसके लड़ाकों को हाल ही में यूक्रेन में देखा गया। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, खार्किव पर रूसी सैनिकों ने जमकर बम से हमले किए हैं जिससे शहर के रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के वक्त इमारत में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं जबकि कई लोगों को मलबे से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। खार्किव का इलाका है, तबाही की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सब कुछ खंडहर हो चुका है। खार्किव की तस्वीरें हैं, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया रूस की ओर से और वहां पर उस वक्त कई लोग उस मंजिल में थे भी। इस इमारत के भीतर कई लोग थे जिनका बाद में रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला गया। और देखिए घायल महिला अपने सिर पर पट्टी बांधी हुई भी यहां पर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि 2 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और लगभग 100 लोगों के आसपास इस इमारत में लोग रह रहे थे। और रूस और यूक्रेन से युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि बयान के दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य मदद का ऐलान किया जाएगा और ब्रिटेन यूक्रेन को मिसाइल की सप्लाई करेगा। बोरिस जॉनसन ने जर्मनी के चांसलर बैठक के बाद ऐलान किया कि यूक्रेनी सेना को विमान रोधी मिसाइल और अन्य 800 टैंक रोधी मिसाइल देंगे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने जल्द ही शांति की उम्मीद जताई। जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देश मिलकर शांति बनाने के लिए रूस पर दबाव डालेंगे। साथ ही उन्होंने मदद के लिए बोरिस जॉनसन का धन्यवाद भी दिया। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों से भी इसी तरह उनका साथ देने की अपील की। Нарощуючи ці пакети, потужні пакети, і так само потужно допомагає Україні, посилюючи нашу оборонну спроможність. Інші демократичні західні держави мають слідувати прикладу Великобританії. Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити надання нам усієї зброї. Австралія ке чанцлер не бі. मुलाकात में जेलेंस्की के साथ मुलाकात की है दोनों नेताओं ने। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया जबकि जेलेंस्की ने भी उनके समर्थन का आभार जताया है। जेलेंस्की से कीव में ये मुलाकात हुई है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर की भी ये मुलाकात हुई है और हर संभव मदद देने का भरोसा उनकी ओर से किया गया है क्योंकि